छिंदवाड़ा में पीडब्ल्यूडी की एक एसडीओ और एक सब इंजीनियर को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने ट्रैप किया है। बताया जाता है कि सड़क के किनारे लगने वाले साइन बोर्ड के काम के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। आवेदक सन सूर्या द्वारा आवेदन दिए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय चौहान एसडीओ पीडब्ल्यूडी छिंदवाड़ा एवं सभी इंजीनियर पीडब्ल्यूडी पुंछ को आज दोपहर उनके पृथक निवास स्थान पर एक साथ ट्रैप किया। आरोपियों ने रोड साइड लगने वाले साइन बोर्ड के टेंडर का बिल निकालने के एवज में आवेदक से 24,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसमें दोनों आरोपियों को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त पुलिस टीम ने जेपी वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की। श्रीचंद चौरिया जी हैं जो चंदन कॉलोनी छिंदवाड़ा में रहते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती है जिसने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक टेंडर रोड किनारे साइन बोर्ड लगाने के लिया था इन्होंने। इनका 3,00,000 रुपए का बिल बकाया था, बाकी बिल इनके पेमेंट हो चुके थे और 3,00,000 रुपए का बिल निकालने के एवज में यहाँ के अनुभागीय अधिकारी एसडीओ पीडब्ल्यूडी विजय चौहान और सब इंजीनियर श्री हेमंत कुमार आत्मपूज्य ये 2,40,000 रुपए की मांग कर रहे थे इनसे, 1,20,000 रुपए एक एक व्यक्ति के नाम से दोनों ने मांग की थी। और इसकी शिकायत जब इन्होंने 13 जनवरी को प्रशिक्षक लोकायुक्त श्री संजय साहू साहब को जबलपुर में की थी, उसके सत्यापन के दौरान आज दिनांक को श्री विजय चौहान एसडीओ पीडब्ल्यूडी को उनके निवास स्थान टीचर्स कॉलोनी खजरी चौक छिंदवाड़ा में 1,00,000 रुपए की नकद रिश्वत लेते हुए एवं श्री हेमंत कुमार आत्मपूज्य को उनके निवास स्थान रघुरामपुरम कॉलोनी परतला छिंदवाड़ा में 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, कार्रवाई जारी है। PCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।